सर हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भारत देश का संविधान क्या भारत की प्रजा के अनुकूल है? आप क्या मानते हैं? जरूर, संविधान तो भारत का हर लोग के साथ है, मगर संविधान को अनुकरण करने वाले या चुनावित प्रतिनिधि होंगे या अधिकारी लोग होगा या न्यायांग होगा, वो तो ठीक से नहीं चल रहा है। अगर संविधान को संपूर्ण तरह से अर्थ करके इसको अनुकरण करेंगे तो ज़रूर मेरे ख्याल में वो पीपल फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ सर, एक बच्चे ने प्रश्न किया कि कोर्ट में डेट पे डेट बनती जाती है, लोगों को न्याय पूरी जिंदगी निकल जाती, मिलती नहीं है, क्या जज लोग आलसी होते हैं या जानबूझकर लेट करते हैं? दोनों भी ठीक है, कई इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज है, जज लोग का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, कोर्ट्स ज़्यादा होना चाहिए और अपना कानून में बदलाव भी आना चाहिए, और दूसरी तरफ से जो लोग अब जजेस हैं वो भी थोड़ा काम ज़्यादा करना चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल एक्ट जो है अन्ना जी लाना चाहते हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? एक बच्चे ने प्रश्न, राइट टू रिकॉल, मैं तो सहमत हूँ इससे, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है एक मैगजीन में, इलेक्शन वॉच मैगजीन में, गए हुए 2004 और 2009 के बीच का पार्लियामेंट लोकसभा में कहीं 540 और लोकसभा सदस्य हैं, उनमें 5 साल में सिर्फ 174 मेंबर्स हैव ओपन देयर माउथ इवन वंस। तो बाकी लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? जब वहाँ पे हमारा प्रतिनिधि कुछ नहीं करता है बिना वॉकआउट करने के बाद, तो हमें वापस बुलाने की हक देना चाहिए। अगर वो काम करेंगे वहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, वो 5 साल रहने दीजिए, मगर वहाँ पे कुछ काम नहीं करते हैं तो इनको वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि हर सदस्य हर महीने 3.5 लाख सैलरी लेता है, किस वास्ते अगर कुछ नहीं करेंगे तो? सर, एक बच्चे अभी बीएसएफ के जवान ने प्रश्न किया है कि क्या भारत का संविधान भारत के अनुकूल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मारने वाले, राजीव गांधी को मारने वाले और मुंबई कांड के हमलावर कसाब को अभी तक सजा नहीं हो पाई, ये किसकी गलती है? जज की है, सरकार की है, संविधान की है? संविधान की नहीं है, जज की नहीं है, ये तो बिल्कुल सरकार की है, क्योंकि ये तो सरकार के सामने है, कोर्ट ने इनका अर्जी का खारिज कर लिया था, संविधान के ऐसा कोई जगह नहीं है, मगर सरकार मानता नहीं। एक बच्चे ने प्रश्न किया है, क्या हम जेल रहित समाज का निर्माण कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? लोगों को जेल न जाना पड़े। अगर किसी को जेल ना जाना हो तो मुझे ऐसा लगता है संविधान नहीं चलेगा। सर, एक बच्चे ने प्रश्न किया कि जो देश में रिजर्वेशन की इतनी ज्यादा मांग बढ़ रही है, उससे सब लोग को रिजर्वेशन चाहिए, यूपी में मायावती ने अभी सभी को रिजर्वेशन देने की बात की, तो इसमें टैलेंट और प्रतिभा की क्या उपयोगिता रह जाएगी? डेफिनेटली it will affect the merit of the selected candidates if you go on concentrating on reservation. Please see, Dr. Baba Saheb Ambedkar has said in the beginning of his speech in the Constituent Assembly, reservation was meant for 10 years only. The whole thing is changed now, it is permanent. And at least let them bring about a change in regard to the creamy layer of the reserved class. A Supreme Court judge's son should not have a reservation. A minister's son should not have a reservation. Let that reservation go to somebody who has not got the benefit of it. Sir, ek bacche ne bhi prashn kiya ki media channel akhbar ke log crime, rape, murder ko bahut zyada dikhate hain, acche kaam ka koi mahatv nahi dete hain, तो क्या हमारा संविधान गलत चीज को ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा उनको सलाह देता है?
संविधान और माध्यम के बीच में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो इतना ज़्यादा पब्लिश करते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, इसीलिए उन लोग इसको बहुत महत्व देते हैं। सर एक बच्चे ने भी प्रश्न किया, हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है तो भारत की प्रजा उसका विरोध नहीं विरोध करती है, मैं अन्ना हूँ टोपी लगा लेती है, लेकिन खुद जब जीवन में जीना पड़ता है तो भ्रष्टाचार करने के लिए विवश हो जाती है। इसीलिए मैंने आपसे विनती की है, आप प्रतिज्ञा लीजिए सब लोग यहाँ पे, हम रिश्वत नहीं देंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, बाद में देख लीजिए कैसा होता है। अभी ये प्रश्न किया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन से आए हुए दुबे साहब ने कहा कि देश में किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए, मानवाधिकार आयोग कहता है फांसी की माफी होनी चाहिए, तो क्या लादन जैसा आतंकवादी आपके पास आ जाए तो उसको माफ कर देंगे फांसी से? मैंने कहा ही नहीं, नहीं अब कुछ कहा होगा तो इससे प्रश्न किया इन्होंने। अच्छा चलिए एनीवे कोर्ट में अंग्रेजी भाषा को प्रोटोकॉल। आपके हिसाब से भ्रष्टाचारी को कम से कम क्या सजा होनी चाहिए? 10 साल। 10 साल नो पेरोल, 10 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट। हेगड़े साहब एक आप ऐसी सोसाइटी बनाइए जहां अच्छी शिक्षा हो, चरित्र का निर्माण हो और लोग भ्रष्टाचार न करके सत्य का जीवन जिए, क्या ऐसा आप करेंगे? मैं तो कोशिश कर लूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मैं 3 साल के भी ज़्यादा भी स्कूल का कॉलेज गया, मैं तो कोशिश कर लूँगा जब तक मैं मुझ में ऐसा शक्ति है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। सर अभी एक प्रश्न किया बच्चे ने कि जब फार्मर फार्मिंग करता है और उसकी क्रॉप फील्ड में होती है तो उसके रेट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं क्रॉप के, लेकिन जब फार्मर की फसल उसके घर आ जाती है तो सरकार उसकी रेट कम कर देती है, इसके लिए आप क्या सलाह देते हैं? मिडिल मैन को उठाना पड़ेगा, बिना मिडिल मैन ग्रोवर्स स्ट्रेट टू द मार्केट, दैट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो एफडीआई का सपोर्ट करते हैं? एफडीआई लोगों ने अगर फार्मर से इनका प्राइस पे लेंगे ठीक है। सर और कोई है प्रश्न किसी का? फिनिश सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बहुत कुछ कह दिया। कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज भी दे दिया ना। आप आइडियल सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी मैसेज 2-5 मिनट और दे दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैं वही कहता था, आपका सभी अभिलाषा को अपनी आदाय के अंदर रख लीजिए, आप एक अच्छा नेक प्रजा बनेंगे। सर एक प्रश्न अभी अभी आया कि वकील लोग और जज लोग काला कोट क्यों पहनते हैं, क्या इनके दिल काले होते हैं? इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं ये सर यूनिफॉर्म जो है डॉक्टर लोग के वाइट, पुलिस के खाकी और वकील लोग के ब्लैक क्यों होते हैं जानना चाहिए? सबका ब्लैक ही होना चाहिए। नहीं ये क्यों बने, कब से बने ब्लैक? तो ये तो इंग्लिश सिस्टम है जी, मुझे पता नहीं क्यों वकील लोग ब्लैक पहनते हैं और डॉक्टर लोग सफेद पहनते हैं, पुलिस लोग काकी पहनते हैं। इफ यू कीप स्टैंडिंग देयर द क्वेश्चंस विल कीप कमिंग। सर एक ने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन किया, वो मैं नहीं पूछना चाहता हूँ। किरण बेदी यादव भाई, ऐसे प्रश्न की कोई महत्व नहीं है, आप देश और राष्ट्र के विषय में जो प्रश्न करना चाहते हैं वही करो, किसी के व्यक्तिगत रूप में कोई क्वेश्चन नहीं। और कोई है प्रश्न तो ला दो जल्दी, नहीं तो फिनिश करते हैं। सर ये मिस्टर मालेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो करप्शन के अंदर वो जेल में गए हैं, क्या उनको बेल मिलना चाहिए? जल्दी जल्दी मिलना नहीं चाहिए, मगर थोड़ी 10-15 महीने के बाद। तो सर एक बच्चे ने प्रश्न किया, कोर्ट में जज को लॉर्ड क्यों कहा जाता है? ये तो पुरानी इंग्लिश आदत है, इसको तो बदलना चाहिए, सर बस है। हाँ एक ने प्रश्न किया, सभी नेता भ्रष्टाचार करते हैं तो नेता के बिना लोग क्यों नहीं रह सकते? आप ही ने इनको नेता बना दिया ना, नेता को आपके सिर पर नहीं मत रखिए, वो तो हमारा सेवक है, प्रजा प्रभुत्व में कोई नेता नहीं है, हम ही ने इनको नेता बना दिया।
जब 1950-1960 में पॉलिटिक्स को आते थे वो सब सेवा करने के लिए आते थे, आजकल नहीं, आजकल ये तो बिजनेस हो गया, इसीलिए इन लोग पॉलिटिक्स को आते हैं।